तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो मान दिया हुआ है, देखिए, तो साइन साइन स्क्वायर 360 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है साइन साइन स्क्वायर 360 डिग्री, और दिया हुआ है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, फिर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, फिर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर कितना दिया हुआ है 73 डिग्री। अब देखिए, अब हम मान जो हम दिए थे कोई भी मान है इसमें नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो इसको करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9, मतलब 90 पूर जा रहा है, 90 पूर जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, 90 पूरेगा तो इसको अब हम कहेंगे कि इसी दोनों को एक चेंज कर देंगे और मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन, अब इसको चेंज करते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और इसको कैसे चेंज करते हैं, 90 में से घटाइए, 90 में से 27 घटाइए तो कितना आएगा, 63 आएगा। तो यहाँ पर ही हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को स्क्वायर रहने दीजिए, कोई दिक्कत है, 90 माइनस कितना घटाएं, 63, 90 माइनस 63 डिग्री लिख दिए, वही है, 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर और 27 डिग्री होना जाएगा, खाली रूप बदल दिए। उसी तरह से इसको भी करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 17 डिग्री हो जाएगा। तो इस अभी वही है, इसको 17 घटाएंगे तो 73 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया, खाली रूप चेंज कर दिए, तो क्योंकि काटने के लिए। तो अब देखिए कैसे कटेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हम बताए हुए हैं फॉर्मूला में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, कॉस थीटा की जगह पर 63 है तो 63 लगा दिए, ठीक है। और फिर लिखेंगे कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 17। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा हम बोले थे फार्मूला, थीटा यहाँ भी है थीटा यहाँ भी है, दोनों एंगल बराबर ना है, थीटा यहाँ भी है और थीटा यहाँ भी है, तो एक मान हुआ, तो थीटा इसको मानिए, इसको भी थीटा मानिए, तो दोनों मान समान है ना, एंगल का मान यहाँ पर अगर 63 लिखते हैं, यहाँ पर अगर 52 लिखते तो 1 आंसर नहीं होता, गलत होता, अगर यही यहाँ पर लिख दिए 1 डिग्री और 1 डिग्री, तो दोनों बराबर है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ई 63 63 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, उसी तरह से 17 17 है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू 1, तो 1 से 1 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे दिया गया है, फिर उसी को भी सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, अभी दो गो मान है उसको एक मान चेंज कर दीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा, और 4 नंबर जो है वो हम कल बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।